राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य 1947 ईस्वी से पृष्ठभूमि। ४७ ईस्वी में भारत स्वतंत्र हो गया। भारत खंडित होकर स्वतंत्र हुआ। शुरू में कुछ समय तक भारत की स्वतंत्र सरकार को शरणार्थियों के पुनर्वास और उनकी सुरक्षा की समस्या से उलझना पड़ा। भारत विभाजन के पूर्व और उसके कुछ समय बाद भी भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें लाखों आदमी बेघर बार होकर भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए। इतिहास के अति प्राचीन काल से भारत की जो अखंड मूर्ति थी वो खंडित हो गई। हिंदू मुसलमान भाई भाई कहलाते थे। दंगों में वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हिंदी क्षेत्र को विभाजन का अनुभव दूर से ही हुआ। इसीलिए विभाजन की ऐतिहासिक त्रासदी ने हिंदी साहित्य को अधिक प्रभावित नहीं किया। इस त्रासदी पर जो साहित्य रचा भी गया है वो प्रायः उन्हीं साहित्यकारों द्वारा जो पंजाब के हैं और पाकिस्तान से यहाँ आए हैं। भारत ने विकास के लिए मिश्र अर्थव्यवस्था को अपनाया और समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत ने निर्गुणता की नीति अपनाई। स्वाधीन भारत की मानसिकता के निर्माण में दो प्रक्रियाओं का सर्वाधिक महत्व है, एक आम चुनावों का और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं का। इन्होंने स्थितियों में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की, उन परिस्थितियों को प्रस्तुत किया जिन पर स्वाधीनता के उपरांत का साहित्य आधारित है, जिसे स्वातंत्र्योत्तर साहित्य कहा जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं से देश के कोने कोने में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। सुदूर क्षेत्रों तक बिजली और मशीनें पहुंची, वहां हलचल शुरू हुई। भारत के सुदूर क्षेत्र शताब्दियों से एक रस स्थिति में थे, अब वहां परिवर्तन होने लगा। प्राचीन विदा होने लगा, नवीन आने लगा। शिक्षा का प्रसार होने से, रोजगार के अनेक अवसर मिलने से गांवों के शिक्षित नवयुवक देहात छोड़कर शहरों में आए। उनके मन को छोड़े गए गांव की स्मृतियां कचोटती थीं। फिर उनके देखे हुए पात्र विदा हो रहे थे। इससे गांवों के प्रति जो ममता एवं आत्मीयता की भावना पैदा हुई, उससे हिंदी साहित्य में आंचलिकता की प्रवृत्ति पैदा हुई। ये आंचलिकता कविता और कथा साहित्य दोनों, यहां तक कि निबंध साहित्य और किसी हद तक नाटक में भी पाई जाती है। देहातों से नगर में बस जाने वाले प्रायः नगर में स्थान की कमी, महंगाई और बेहतर सुविधाओं को प्राप्त करने की ललक के कारण अपनी पत्नी और बच्चों के ही साथ रह सकते हैं। इससे संयुक्त परिवार टूटने लगा। दूसरी ओर दिनों दिन बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण नगरों में भीड़ भाड़ बढ़ती ही गई। इससे अपरिचय का वातावरण विकसित हुआ। भारतीय जीवन में अजनबीपन या अकेलेपन का सबसे बड़ा कारण संयुक्त परिवार का टूटना और नगरों
या महानगरों का व्यस्त जीवन है, जहां एक को दूसरे की सहायता करने की फुर्सत कम रहती है। इस वास्तविक अकेलेपन और अजनबीपन की अभिव्यक्ति साहित्य में होने लगी और उससे अस्तित्ववादी, अजनबीपन और अकेलापन जैसे शब्द साहित्य में चल निकले। स्वाधीनता के उपरांत नारी शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व विकास हुआ। अब शिक्षित नारियों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है। वे नौकरी भी कर रही हैं, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, बैंकों, डॉक्टरी आदि सेवाओं में वे पुरुषों से स्पर्धा करने की स्थिति में आ गई हैं। अब वे आर्थिक तौर पर स्वतंत्र हो रही हैं। इससे पारिवारिक संबंधों में बहुत बदलाव आया है। हमारे साहित्य, विशेषतः कथा साहित्य में स्वावलंबी नारी पात्रों का प्रवेश हुआ, जिसके कारण नर नारी के संबंधों, दाम्पत्य जीवन और संतान पर पड़ने वाले प्रभाव का भी चित्रण नए ढंग से होने लगा। ईस्वी के बाद धीरे धीरे स्वाधीनता संघर्ष का आवेग कम हो गया। सांप्रदायिकता के उन्माद से ग्रस्त एक व्यक्ति ने गांधी की हत्या कर दी। बड़े नेता मंत्री पद पर विराजमान हो गए। बाहरी सहायता के रूप में योजनाओं के लिए धन आया, जिससे निर्माण का काम होना था, लेकिन उसके वितरण में भाई भतीजावाद पनपने लगा। कुछ क्षेत्र उन्नत थे, कुछ पिछड़े हुए। अवसर मिलने पर उनमें परस्पर स्पर्धा का भाव पैदा हुआ, जिससे क्षेत्रीयता और भाषागत संकीर्णता की भावना बढ़ी। संविधान ने हिंदी को संपर्क भाषा और राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। किंतु अंग्रेजी का वर्चस्व बना ही रहा, क्योंकि देश में बड़े पूंजीपतियों और विदेशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अंग्रेजी में कामकाज करने में सुविधा थी। काले धन का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। इन सब बातों के कारण स्वाधीनता आंदोलन के दिनों के बनाए हुए सिद्धांत और आदर्श पीछे ही नहीं छूट गए, उनका अवसरवादी उपयोग भी होने लगा। कथनी और करनी के अंतर के कारण व्यंग्य विडंबना की नाटकीय स्थिति उत्पन्न हुई। भाषा का सहज अर्थ खो गया। ठीक अर्थ जानने के लिए संदर्भ की पहचान और कायापन की जरूरत पड़ने लगी। स्वाधीनता के उपरांत इसी मोहभंग, व्यंग्य, विडंबना और असुरक्षा की भावना की अभिव्यक्ति साहित्य में हुई है। प्रगतिवादी धारा पहले से चली आ रही थी। स्वाधीनता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में केंद्रीय सरकार और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में टकराहट की स्थिति आई। तेलंगाना में सशस्त्र किसान विद्रोह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चला। इन्हीं दिनों हिंदी साहित्य पर अस्तित्ववादी विचारों का प्रभाव भी पड़ने लगा। व्यक्ति स्वातंत्र्य और राजसत्ता के विरोध का स्वर हिंदी साहित्य, विशेषतः कविता के क्षेत्र में सुनाई पड़ने लगा। इतिहास की व्यर्थता, क्षणवाद, साहित्य की शुद्धता, निजता की सुरक्षा आदि का नारा इसी क्षेत्र से आया। इन विचारों के प्रचार के लिए पत्र पत्रिकाएं भी निकलीं और उनका प्रभाव भी रहा। किंतु देश की वास्तविक स्थितियां अस्तित्ववादी विचारधारा की नहीं, समाजवादी विकास की मांग करती थीं, क्योंकि हमारा देश आर्थिक तौर पर पिछड़ा किंतु अपार संभावनाओं का है। हम अपने गौरवशाली इतिहास एवं मानवीय परंपराओं को भूल नहीं सकते। इसीलिए यहां अस्तित्ववाद और अकेलापन उस रूप में नहीं दिखलाई पड़े जैसे कि यूरोप में। यहां समाजवादी और अस्तित्ववादी विचारों का सामंजस्य होने की स्थिति अधिक है।
ये सच है कि स्वाधीनता के बाद भारत ने उन्नति की है, सामान्य जीवन की सुविधाएं बढ़ गई हैं, जमींदारी उन्मूलन, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, आरक्षण और अनेक ग्रामीण योजनाओं से निम्न वर्ग के लोगों की स्थितियों में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, किंतु पहले से सुविधा प्राप्त वर्ग ने जितनी आर्थिक उन्नति की है, निम्न वर्ग की तुलना उससे की जाए तो स्थिति असंतोषजनक है। इस असंतोष ने राजनीति के अलावा साहित्य में भी आक्रोश की भावना उत्पन्न की। परिणाम स्वरूप आक्रोशमय किंतु मूल्यहीन एवं निषेधात्मक साहित्य देखने में आया है। संतोष की बात है कि अब नई पीढ़ी के रचनाकार आक्रोश की सीमाएं समझ चले हैं। वे राजनीति और साहित्य का परस्पर संबंध तो मानते हैं, किंतु राजनीति और साहित्य में अंतर भी करते हैं। बड़ी बात यह है कि वे परंपरा का उचित मूल्यांकन करना सीख गए हैं। उनके साहित्य में परिवर्तन की आतुर प्रतीक्षा तो है, किंतु यथार्थ स्थितियों की उपेक्षा नहीं। इससे रचनात्मकता में एक सुखद संयम दिखलाई पड़ने लगा है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में रूप के स्तर पर सर्वाधिक उल्लेखनीय भाषा प्रयोग है। व्यंग्य के कारण तत्सम पदावली का अपूर्व अवमूल्यन हुआ। कथा साहित्य में तो वो प्रायः व्यंग्य विनोद के लिए या वास्तविकता और दिखावे का अंतर प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होती है। आंचलिक साहित्य में क्षेत्रिक शब्दों का उपयोग बहुत जल्द फैशन बन गया। कहानी और कविता में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होने लगा। कभी कभी भद्दे ढंग से भी कविता गद्य के बहुत निकट आ गई और कहानी में आत्मालाप और मनोजगत का चित्रण बढ़ गया। भाषा की दृष्टि से सबसे क्षतिग्रस्त हिंदी आलोचना की भाषा हुई, लेकिन ये बात असमर्थ आलोचकों की भाषा के बारे में ही कही जा सकती है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी आलोचना की भाषा में नया निखार और पैनापन भी आया है। समर्थ आलोचकों के लेखन में उसका वस्तुगत रूप निखरा है। भारत के इतिहास में 1947 ईस्वी का वर्ष राजनीतिक दृष्टि से भले ही महान परिवर्तन का बिंदु हो, किंतु साहित्य में तत्काल कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित नहीं हुआ। कुछ दिनों तक कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, समालोचना आदि विधाओं के अंतर्गत क्रमागत प्रवृत्तियों के अनुरूप ही रचनाएं होती रहीं। इसलिए आधुनिक काल में अन्य पूर्ववर्ती युगों की तरह 1947 ईस्वी से किसी नितांत भिन्न साहित्यिक काल के आरंभ का आभास नहीं मिलता। फिर भी ये तथ्य है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद धीरे धीरे जो राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन हुए, उनसे साहित्य भी क्रमशः प्रभावित हुआ और हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में कुछ नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन, सार्वजनिक मताधिकार और देश में शिक्षा के प्रसार के कारण भारत के सामाजिक ढांचे में परिवर्तन दिखलाई पड़ने लगा। नारी शिक्षा के प्रसार से महिलाएं घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक जीवन में भागीदारी करने लगीं। कामकाजी महिलाएं पुरुष प्रधान समाज की पीड़ा, असमानता के विरुद्ध आवाज उठाने लगीं। साहित्य में भी नारी चेतना का दौर आया। आज हिंदी उपन्यास, कविता आदि के क्षेत्र में महिला रचनाकारों का योगदान बढ़ चढ़ कर हो रहा है। कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल, स्नेहमयी चौधरी आदि हमारे दौर की उल्लेखनीय महिला साहित्यकार हैं। दलित चेतना हमारे दौर की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अछूतोद्धार हरिजन सेवा का ऐतिहासिक कार्य गांधी जी ने प्रारंभ किया था और इस वर्ग के उत्थान का मार्ग प्रशस्त हुआ था। संविधान निर्माताओं ने
आरक्षण की व्यवस्था की, किंतु हमारे दौर की दलित चेतना आक्रामक है। वो सवर्ण समाज से सहानुभूति की नहीं, अधिकार की मांग करती है। हमारे साहित्य पर भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस बीच दलित साहित्यकारों की अनेक साहित्यिक रचनाएं प्रकाश में आई हैं। इधर सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका का ही अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सैन्य वर्चस्व रह गया है। खुले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाएं समाप्त कर दी गई हैं। इससे धनी देशों को पहले से कहीं अधिक मुनाफा हो रहा है। इसे भूमंडलीकरण कहा जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद इसी का वैचारिक प्रतिफलन है। उत्तर आधुनिकता का अर्थ इतिहास और विचारधारा का अंत होना है, जिसका अर्थ ये हुआ कि गरीब हमेशा गरीब बने रहें और अमीर हमेशा अमीर। ये विचारधारा स्थितियों को किसी केंद्रीयता के सूत्र में नहीं बांधती, केंद्र की अपेक्षा परिधि को अधिक महत्वपूर्ण मानती है। हिंदी साहित्य की रचना या आलोचना पर इसका कोई उल्लेखनीय प्रभाव अभी तक नहीं दिखाई पड़ा। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य 1947 ईस्वी से पृष्ठभूमि। साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम। आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी। वाचन स्वर नीरज यादव और पोर्शिया मुखर्जी। कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।